नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार सरकार पर सवाल या निशान खड़े होने लगे। एक तरफ आनंद मोहन के समर्थक जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ लोग बिहार सरकार का विरोध कर रहे थे। लेकिन सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं, बल्कि अब बिहार में बहुत सारे बाहुबली जेल से बाहर आने वाले हैं। दरअसल बिहार जेल कानून में संशोधन के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को हाल ही में बरी कर दिया गया। नीतीश सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना हुई। इसी बीच अब बिहार में आनंद मोहन के बाद दो और बाहुबली नेताओं यानी कि अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग उठने लगी। बता दें कि RJD से 4 बार के सांसद प्रभुनाथ सिंह की अभी झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद है। उन्हें 1995 में जनता दल विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब से प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद है। वहीं अनंत सिंह की रिहाई की भी मांग उठ रही है। अनंत सिंह अभी पटना के बेऊर जेल में बंद है। 2019 में अनंत सिंह के पैतृक आवास से एक AK-47 राइफल बरामद की गई थी और उस मामले में उन्हें पिछले साल दोषी पाया गया और कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। अनंत सिंह को जब इस केस में दोषी पाया गया था तो उस वक्त वो RJD विधायक थे, लेकिन दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि स्वर्ण क्रांति दल के चीफ कृष्ण कुमार कल्लू ने प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह की जेल से रिहाई की मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं की रिहाई के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। प्रभुनाथ सिंह अनंत सिंह की रिहाई की मांग उठने लगी। इस पर BJP ने कहा है कि RJD के दबाव में नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को रिहा किया और अब उन्हें आजादी के जवाब में बिहार के सभी खतरनाक अपराधियों को छोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद बिहार में पूरी तरह जंगलराज की वापसी हो जाएगी। बता दें कि आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को पिछले हफ्ते बिहार सरकार ने रिहा कर दिया था। आनंद मोहन IAS अधिकारी कृष्णैया की हत्या में दोषी पाए गए थे। वो बिहार में गोपालगंज के जिलाधिकारी थे और 1994 में जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे उसी दौरान भीड़ ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। इस दौरान इन्हें गोली भी मारी गई थी। आरोप लगाया गया था कि DM की हत्या करने वाली उस भीड़ को कुख्यात बाहुबली आनंद मोहन ने ही उकसाया था। यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले में आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली समेत 6 लोगों को नामजद किया था। उसके बाद कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को सजा हुई। 1994 के कलेक्टर हत्याकांड में आनंद मोहन सिंह को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई। 2008 में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को बिहार सरकार कारा अधिनियम में बदलाव करके जेल से रिहा कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार ने कारा हस्तक 2012 के नियम 481 आई में संशोधन किया है। 14 साल की सजा काट चुके आनंद मोहन की पहले के नियमों की वजह से रिहाई संभव ही नहीं थी, इसलिए ड्यूटी करते सरकारी सेवक की हत्या को अब अपवाद की श्रेणी से हटा दिया गया है। बता दें कि 10 अप्रैल को ही बदलाव की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी थी। फिलहाल बिहार सरकार के फैसले और उस फैसले की वजह से बाहुबलियों की रिहाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें VK न्यूज। नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।